और वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछली वीडियो में हमने Q&A राउंड किया था और आपके इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं और आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगी। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर दूंगी जो सबसे ज़्यादा लोगों ने मुझसे पूछा है, जो कि है कि व्हाई डिड आई लीव नोबिता, मैंने नोबिता की डबिंग करना क्यों छोड़ा। गाइस, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इस क्वेश्चन को काफ़ी टाइम से अवॉइड कर रही थी, डॉच कर रही थी, लेकिन मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या हुआ था, क्या रीज़न था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई नेवर सेड नो टू नोबिता। मैंने नोबिता को डब करने के लिए कभी ना नहीं कहा। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। मैं आई थिंक 10 साल की थी जब मैंने नोबिता की डबिंग करना शुरू किया, और जैसे ही मैंने नोबिता की डबिंग करना शुरू किया था, आई रिमेम्बर डोरेमोन शो इतना पॉपुलर हो गया, लोग उसे इतना ज़्यादा पसंद करने लग गए, नोबिता को इतना प्यार मिलने लग गया, और नोबिता की वजह से मुझे ढेर सारा आपका प्यार मिलने लग गया। और मैंने नोबिता की डबिंग करीब 10 साल की है, हज़ारों एपिसोड्स, बहुत सारी मूवीज़ के लिए डब किया है। देन आई गॉट सेलेक्टेड इन अ सीरियल। तो जब मुझे पता चला, मैंने एक सीरियल का ऑडिशन दिया था और मैं उसके लिए सिलेक्ट हो गई। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे सीरियल मिल गया था तो मैं नोबिता को छोड़ना चाहती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरा ये मानना था कि ठीक है, मुझे सीरियल के साथ साथ नोबिता की डबिंग भी करनी थी। तो मेरी ऐसी बात हुई और ये डिसाइड हुआ कि मैं मुंबई के स्टूडियो में नोबिता की डबिंग करना कंटिन्यू करूँगी। तो डिसाइड हो गया था। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि नोबिता की वॉइस चेंज हो गई है। चले? नोबिता की वॉइस चेंज कर दी गई विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग मी। किसी ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। आई वाज शॉक्ड। और जब तक मैं कुछ कर पाती, इट वाज गॉन। इट फेल्ट एज इफ समबडी हैड टेकन अवे अ पीस ऑफ माय हार्ट। And I did not want anything. I did not want money. I did not want any fame, any popularity. I just wanted Nobita. और आप सबका प्यार। तो जब आप एक कैरेक्टर को बहुत साल से आवाज़ देते हो तो आप उस कैरेक्टर से बहुत अटैच हो जाते हो, वो बहुत स्पेशल होता है आपके लिए। Nobita is very special to me and will always be. मतलब मैं इतनी ज़्यादा connected हूँ Nobita से कि कितनी बार ऐसा होता था डब करते हुए कि मैं असली में रो देती थी। एक ऐसा सीन था जहाँ डोरेमोन नोबिता को छोड़ के जा रहा था और वो कह रहा था मत जाओ डोरेमोन, और मैं रियल में रो रही थी। प्लीज अपनी आंखें खोलो डोरेमोन, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा डोरेमोन, कभी भी गैजेट नहीं मांगूंगा, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा डोरेमोन, प्लीज एक बार आगे तो खोल लो। तो वो कैरेक्टर आपकी लाइफ बन जाता है, आपकी जान बन जाता है, आप उसमें जान डालते हो। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा कनेक्टेड हूँ नोबिता से। वो रोता है, मैं रोती हूँ, वो हंसता है, मैं हंसती हूँ। तो नोबिता से मेरा बचपन जुड़ा हुआ है, और सिर्फ मेरा नहीं, आप लोगों का भी बचपन जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि हमने अपना पूरा बचपन आपकी आवाज़ सुनी है, तो आप ही हमारे नोबिता हो। दैट इज़ सो स्वीट। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, मैं क्या करूँ, ऐसे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, डोरेमोन। तो गाइस, आपके क्वेश्चन का मैं ये आंसर करना चाहती हूँ कि ना तो मैंने कभी नोबिता को छोड़ा था और ना ही मैं कभी छोड़ सकती थी। इनफैक्ट इफ समबडी टेल्स मी कि आप नोबिता की डबिंग करना वापस से स्टार्ट कर दो, मैं यस कहूँगी। इट्स डेफिनेटली अ यस फ्रॉम माई साइड, क्योंकि मुझे नोबिता बहुत अच्छा लगता है। एंड थैंक यू सो मच, आप सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल। आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हमेशा मुझे प्यार दिया है, ऐसे ही प्लीज़ प्लीज़ मुझे प्यार करते रहिए।
हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नोबिता। नाम तो सुना ही होगा, मैं हमेशा आपका नोबिता था और मैं हमेशा आपका नोबिता रहूंगा, ठीक है ना? अपना ध्यान रखना। मुझे तुम सबकी याद आएगी, मैं तुम सबको कभी नहीं भूल पाऊंगा। अगर मुझे दूसरा जन्म मिला तो मैं एक अच्छा रोबोट बनना पसंद करूंगी। पिप्पू मुझे पिप्पू नाम बहुत प्यारा लगता है। तुम मेरी दोस्त बनोगी ना?